हरियाणा के पानीपत से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 60 गज के मकान में रहने वाली बुजुर्ग महिला को बिजली विभाग ने 21 लाख रुपए का बिल भेज दिया और लाखों का बिजली बिल आने पर बुजुर्ग महिला ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया और बिजली विभाग के दफ्तर पर ढोल बजवाकर प्रदर्शन किया। इनके साथ महिला बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए मिठाई लेकर पहुंच गईं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग महिला के समर्थन में उतर आए और पोस्टर पर हरियाणा सरकार को कोटी कोटि धन्यवाद का स्लोगन लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया। आरोप है कि साल 2019 में बिजली विभाग की ओर से महिला को 12 लाख का बिल भेजा गया था, जिसके खिलाफ महिला ने कई बार शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने बिल वापस करने का भरोसा भी दिलाया, लेकिन महिला की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और 12 लाख के बिजली के बिल पर इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगातार ब्याज लगता रहा। वही फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने वाली महिला ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले हमारे शुरू में तो जब 40 रुपए बिल भरते थे, फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महिला के बिजली बिल का कनेक्शन उनके डिवीजन में नहीं आता है, जिससे 21 लाख के इस बिल को वापस नहीं लिया जा सकता। कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इस ऑफिस का बिल ही नहीं। लिहाजा बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग महिला अब दर दर भटकने को मजबूर है।